गुम है किसी के प्यार में, आज से रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सबको ही बुलाया था, अभी तक आया ही नहीं। बाकी अरेंजमेंट सीख लग रहे ना, कोई भी प्रॉब्लम मुझे बता दे और आराम से खाना पीना, ठीक है? एंजॉय कीजिए। क्या हुआ अंकिता, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? सब कैसे ठीक हो सकता है अंकुर, जब एक भाई अपनी पढ़ी लिखी बहन की शादी एक हलवाई से कर रहा हो। मुझे आपसे बात करनी है। भाई जी, हलवाई थोड़े पिस्ते बादाम और मांग रहा है। हाँ, दे दो। अंकिता, मैं वो बताना ही चाहता था। कैसे कर सकते हो तुम ये अंकुर? मम्मी पापा के जाने के बाद संध्या के लिए तुम सिर्फ उसके भाई नहीं, उसके पिता की जगह पे थे। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो कि अपना सपना पूरा करने के लिए तुमने संध्या की जिंदगी बर्बाद कर दी? कहाँ गई वो बातें अंकुर, कहाँ गई वो बातें? संध्या, मैं तेरे साथ हूँ, हम सब एक है। हाँ, सब झूठा, सारी बातें, सारा प्यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अंकिता। मैं आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद करूंगा? मैं? अरे भाई हूँ उसका, मैं दुश्मन नहीं हूँ उसका। माना मेरा थोड़ा स्वार्थ है अपने सपनों के लिए। माना कि वो लड़का हलवाई है और हमारी संध्या थोड़ी पढ़ी लिखी, मगर उसमें उसकी जिंदगी कहां बर्बाद हो गई? अरे कौन सा उसकी शादी में किसी 50 साल के बुड्ढे या किसी 22 या किसी भिखारी से करा रहा हूँ? सूरज जी कितना पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं? अरे हमें तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सूरज जी उसे प्यार करेंगे या नहीं, उसका ख्याल रखेंगे या नहीं। इंसान में गुण होने चाहिए, सब कुछ तो है उनके पास, क्या नहीं है? अपनी दुकान है, अच्छा अच्छा खासा परिवार है, और क्या चाहिए किसी को? तुम्हारी भी तो नौकरी थी ना अंकुर, अच्छा घर था, अच्छा परिवार, सब कुछ था, पर तुम्हें और ऐसा क्या चाहिए था कि तुम मुझे तक छोड़ देने की सोच रहे थे? तुम्हारा भी तो सपना था ना अंकुर, उसे पूरा करने की तड़प तुमने भी तो महसूस की थी ना? तो तुम्हारा सपना कीमती और संध्या के सपने की कोई कीमत नहीं? जानता कि अपने बहन के लिए पढ़ाई लिखाई उसका सपना है, उसकी जिंदगी है, तो उसका सपना तोड़ देना मतलब उसकी जिंदगी खराब करना नहीं तो और क्या है? हाँ, ये कैसा बेमेल रिश्ता है अंकुर? एक लड़की जो आईपीएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देखती है, उसका जीवन साथी एक हलवाई। हमारे जैसे घर में रहकर संध्या उन हलवाइयों के घर में कैसे खुश रह पाएगी?
याद रखना अंकुर, ये भाई राखी के बंधन पर किए हुए सारे वादे भूल सकता है, सारे रिश्ते, सारी जिम्मेदारियां, पर मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं भूल सकती। मम्मी पापा ने मुझे बहू से बेटी का दर्जा दिया और ये बेटी इस घर की दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। शादी नहीं होने दूंगी। अंकिता, तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो और उसका नतीजा क्या होगा? जानती हो? मैं तो शायद जो करने जा रहा हूं उससे उसकी जिंदगी शायद ठीक कट भी जाए, पर तुम तो अपने हाथों से उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। हमारी बिरादरी में शादी के मंडप में शादी टूटने के बाद कौन थामता लड़की का? कोई नहीं करेगा। फिर क्या करोगी तुम अंकिता, क्या करोगी? अरे मैं लाख ही क्यों ना स्वार्थी हो जाऊं, लेकिन अपनी बहन को किसी गलत घर या गलत लड़के के हाथ में देने जितना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। माना हमारी संध्या को शुरू शुरू में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत मुश्किलात आएंगी, लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, सोच विचार अलग है, सब सब कुछ अलग है, मगर बहुत कम लड़कियों को आजकल एक आदर्श ससुराल मिलता है। सबको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। हमारी संध्या भी कर लेगी अंकिता, वो अपनी खुशियां ढूंढ लेगी वहां पर। ये जो सूरज है ना, ये हमारी संध्या की जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देंगे, विश्वास करो मेरा अंकिता। अरे आप लोग वहां क्या कर रहे हैं? जल्दी आइए, सब आपके वरमाला के लिए इंतजार कर रहे हैं, आइए। चलो हमारी बिरादरी में शादी के मंडप पे शादी टूटने के बाद कौन थामता लड़की का हाथ? कोई नहीं। नहीं, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अपनी भाभी की जिंदगी की जरा सी भी परवाह है तुम्हें तो लड़के वालों के सामने तमीज से पेश आना, और अगर तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी भाभी मेरे साथ रहे तो जो तुम्हारे मन में आए तुम वो करना। आप एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं अंकल, आप US अकेले जा रहे हैं, मैं यही संध्या के साथ रहूंगी। ये बात जानती हो ना तुम कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी वजह से मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया।
वधू वर को माला पहनाइए,